सोफिया और तुषार हाल ही में विवाह बंधन में बंधे थे। बड़े से घर में उसकी सास ने दोनों का स्वागत किया। आजा बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। अरे वाह, ये तो एकदम आइटम है। कितनी गोरी चिट्टी है ये सोफिया। वाह, नाम भी एकदम झकास है। जरा जुबान को लगाम दीजिए, बहू है ये आपकी। अरे माँ छोड़ो ना, पिताजी को तो मजाक करने की आदत है। तुम बस जल्दी से सारी रस्में खत्म करो, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे बहू, तेरा पति तो अभी से थक गया। अगर रात को ये सो जाए तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, हम दोनों खूब बातें करेंगे। हे भगवान, ये बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं? बहू तू ध्यान मत दे, तेरे ससुर जी को ऐसे ही मजाक करने की आदत है। हंसी खुशी शादी की सभी रस्में पूरी हो जाती है। सोफिया एक पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी, वहीं सास सरिता देवी एक घरेलू विचारों वाली सामान्य महिला थी, जो अपना पूरा समय घर परिवार की सेवा में लगाती और बचा हुआ समय पूजा पाठ तथा दान दक्षिणा में लगाया करती। सरिता देवी का पति भी अपनी बहू की तरह ही मॉडर्न ख्यालों वाले इंसान थे। नई पीढ़ी की तरह सुबह उठकर जॉगिंग करना, नए गाने सुनना, डांस करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना, सभी उम्र के लोगों के साथ मस्ती मजाक करना, यही उनका दिनचर्या था। सोफिया को पहले तो अपने ससुर का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी ससुर के साथ हंसी मजाक करना अच्छा लगने लगा। एक दिन डोरबेल बजी और बहू ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरे बाबूजी आप? हाँ सोफी बहू, मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं। जॉगिंग से लौटते समय कल्लू हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म जलेबी ले आया हूँ। तेरी सास ने बताया था कि तुझे जलेबी खूब पसंद है। हाँ मुझे गरम गरम जलेबी पसंद है, लेकिन। अरे लेकिन वेकिन छोड़, जा जल्दी से खा ले, ठंडा हो गया तो सारा मजा खराब हो जाएगा। और मम्मी जी के लिए? अरे गोली मार उसे, उसने अपने जवानी में ही इतना मीठा खा लिया है कि अब उसे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना कर दिया है। तू जा खा ले सारा। ससुर आए दिन सोफिया के लिए उसकी मन पसंद की चीजें लाता। सोफिया ऑनलाइन कोई ड्रेस पसंद करती तो ससुर बिना देर किए ही ऑर्डर कर देता। तुषार सुबह अपने काम पर चला जाता, सास भी मंदिर और भजन कीर्तन में निकल जाया करती। घर में केवल सोफिया और उसका ससुर ही रह जाते थे। दोनों खूब हंसी मजाक करते, घर के काम में भी ससुर हाथ बटा दिया करता। दोनों बाजार से सब्जी भाजी लाने में साथ ही जाया करते थे। एक दिन जब सरिता देवी मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो उसने अपनी पड़ोस की कुछ औरतों को बातें करते हुए सुना, क्या जमाना आ गया है, पति ऑफिस जाता है, सास मंदिर जाती है, और घर में ससुर अपनी जवान बहू के साथ रंग रंगलियां मनाते हैं। सही कह रहे हो बहन, कलयुग है कलयुग, पति से ज्यादा बहू की पसंद नापसंद का ध्यान तो ससुर रखते हैं। बहुत बेशरम है दोनों ससुर और बहू। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना, ये बेशरम बहू अपनी ही सास की सौतन बन जाएगी एक दिन, बेचारी सरिता देवी। सरिता उन दोनों औरतों की सारी बातें सुन हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये लोग मेरे पति और मेरी बहू के बारे में इतनी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं? लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होती, बात जो भी हो मुझे सच का पता लगाना ही होगा। सरिता देवी जैसे ही घर के अंदर आई, उसने अपने पति और बहू को रसोई घर में एक साथ खाना बनाते देखा। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सास ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह के 10 बज गए, लेकिन सास अभी तक बिस्तर से नहीं निकली। माँ जी, आज आप मंदिर नहीं जाएंगी? तुझे बड़ी चिंता हो रही है मेरी मंदिर ना जाने की, मेरा घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक दिन भी मंदिर जाए बिना नहीं रहती है, लेकिन आज आप गई नहीं तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या होगा मेरी तबीयत को, अच्छी खासी हूँ मैं, तू क्या मुझे बुढ़िया समझती है क्या? अच्छे से तैयार हो जाओ तो तुझसे भी जवान दिखूंगी। सास को अब बहू की हर बात चुभने लगी थी, लेकिन बहू को सास का ये बदला हुआ बर्ताव कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। बेचारी चुपचाप अपने काम में लग गई। क्या हुआ सोफी बहू,
आज चाय नहीं पिलाई तूने? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। सोफिया तुरंत चाय बनाकर ले आई। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। क्या बात है बहू, तू भी अब चाय पी रही है या दोबारा चाय की चुस्की लेने का मन कर गया? दोबारा नहीं बाबूजी, बस आपके साथ चाय पीने की आदत हो गई है, इसीलिए आपकी जॉगिंग से लौटने का इंतजार कर रही थी, सोचा आपके साथ ही पी लूंगी। अरे वाह वाह, वैसे तेरे लिए एक सरप्राइज है, मैंने तेरे कमरे में रख दिया है, जा जाकर देख ले, अच्छा लगे तो एक कप चाय और पिला देना मुझे। सास ने चुपके से दोनों की बात सुनी और मन ही मन कहानी बनाने लगी। पड़ोसी ठीक ही कहते हैं, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। सास ने बहू का पीछा किया और खिड़की से छुपकर अंदर देखने लगी। बहू ने खुशी खुशी बिस्तर पर रखे बॉक्स को खोलकर गिफ्ट देखने लगी। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, कितना परफेक्ट ब्राउन है ये, इसका तो कलर भी मेरा फेवरेट है, और ये मूवी का टिकट, ये तो वही रोमांटिक मूवी की टिकट है जो मुझे पसंद है। बहू तुरंत कॉल करके किसी से बात करने लगती है। हेलो, क्या बात है, आज कोई कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है, मुझे भगा कर ले जाने का इरादा तो नहीं है जनाब का? सरिता देवी ये सब देख गुस्से से ज्वालामुखी बन गई, लेकिन कुछ बोल न पाई। तभी ससुर आवाज लगा कर बहू से बोला, सोफी अब देर मत करना, जल्दी से तैयार हो जा, टाइम से पहुंचना होगा, नहीं तो मूवी शुरू हो जाएगी और सारा मजा खत्म हो जाएगा। बहू ने शर्माते हुए कहा, जी बाबूजी, मैं घर का काम जल्दी से खत्म कर लेती हूँ, फिर तैयार हो जाती हूँ। घर का काम घर में रहने वाले कर लेंगे, तो बस तैयार हो जा, और हाँ वही ड्रेस पहनना जो। समझ गई बाबूजी, मैं अभी वही ड्रेस पहन कर तैयार हो जाती हूँ। बहू तैयार होने गई, तभी सास दरवाजे के पीछे से बाहर आई और गुस्से से तमतमाती हुई बोली, ये सब क्या चल रहा है मेरी पीठ के पीछे? अरे भाग्यवान, जरा शांति रखो, सब मालूम हो जाएगा। अच्छा पहले तो ये लो और तुम भी। ससुर ने अपनी गुस्साई पत्नी की तरफ एक कागज देकर कुछ बोलना चाहा, लेकिन सरिता देवी ने वो कागज लिया और गुस्से में फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंदर से बहू भी तैयार होकर आई। उसी समय तुषार भी आ गया और उसने आते ही पूछा, ये क्या हो रहा है माँ? क्या हुआ पापा, ये माँ इतनी गुस्से में क्यों है? ये क्या बोलेंगे बेटा, मुझसे पूछ मुझसे, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी बहू ही मेरी सौतन बन गई। सास ने रोते रोते सारी आप बीती बेटे को सुनाई। सरिता देवी की बात सुन तीनों हैरान होते हैं, लेकिन तुषार सारी बात समझ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ शांत हो जाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, सोफिया को वो ड्रेस मैंने भेजी थी और पिक्चर देखने का प्रोग्राम भी मैंने बनाया था। हाँ माँ जी, फोन पर भी मैं आपके बेटे से ही बात कर रही थी, उनको मैंने कहा कि माँ जी और बाबू जी के लिए भी टिकट खरीदो, हम सब साथ में जाएंगे, बाबू जी में मुझे मेरा पिताजी नजर आते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ इतनी फ्रैंक रहती हूँ। अरे रहने दे सोफी बहू, भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं है, और अब तो इसने मूवी की टिकट भी फाड़ डाली है, अब तो दोनों ही जाओ और मैं अपनी बुढ़िया के साथ घर में कैंडल लाइट डिनर कर लूंगा। सरिता देवी को समझ आ गया कि जो लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसने तीनों से माफी मांगी और खुशी खुशी रहने लगी। किसी ने सच ही कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन लोगों की बातों को सुनकर हमें अपनी खुशी में आग नहीं लगाना चाहिए। पारुल फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है। माँ प्लीज आप सब टाइम से आ जाना, हो सके तो भैया और भाभी को भी साथ लाना। नहीं, हम लोग तेरी बेशरम सास की गोद भराई में कभी नहीं आएंगे, भले ही तेरे सास ससुर को उनकी इज्जत की कोई परवाह ना हो, लेकिन हम लोगों को हमारी इज्जत बहुत प्यारी है, समझी तू? ये कहकर पारुल की माँ ने फोन कट कर दिया। लेकिन पारुल को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था अपनी सास के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर। एक शाम
पारुल और उसकी सास शर्मिला बाजार से पानी पूरी खाकर जैसे ही घर लौटे, शर्मिला को उल्टी होने लगी। उल्टियां करते करते अचानक वो बेहोश होकर फर्श पे गिर गई। हे भगवान, ये माँ जी को क्या हो गया? ओहो, मैंने क्यों इतनी तीखी पानी पूरी खाने के लिए जिद की? लगता है इन्हें गैस्ट्रिक हो गया है। पारुल ने तुरंत पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाया। मोहल्ले में जब भी किसी की हल्की फुल्की तबीयत खराब हो जाती तो दाई माँ ही उसको आयुर्वेदिक दवाई देकर ठीक किया करती थी। दाई माँ ने शर्मिला को चेक किया और दवाई की पुड़िया देकर पारुल से बोली, बेटी ध्यान रखना अपनी सासू माँ की, ये पेट से है। इस उम्र में गर्भवती होने पर सेहत का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना। अच्छा, मैं चलती हूँ। पारुल ये सुनकर आग बबूला हो गई। नागिन की तरफ फुफकारती हुई कहने लगी, हे भगवान, माँ जी पेट से है, बचपन की उम्र में ये कैसी बेशर्मों वाली गुल खिलाया है उन्होंने। अब क्या होगा, मोहल्ले में हम कैसे मुंह दिखाएंगे सबको। तभी शर्मिला को होश आया और उसने अपना सर पकड़ते हुए पारुल से कहा, बहू जरा एक गिलास नींबू पानी बना कर देना तो, पता नहीं क्यों जी मचल रहा है। पारुल ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, जी तो मचलेगा ही ना, इस उम्र में इतना शर्मनाक कान जो करके बैठे हैं बुढ़िया, मुझे तो सोचने में भी शर्म आ रही है। पारुल अपनी सास को नींबू पानी बना कर देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और दोनों के पति ऑफिस से घर आते हैं। पारुल तुरंत अपने पति संस्कार का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में खींच कर ले जाती है। अरे अरे, क्या बात है, घर में पैर रखते ही तुम मुझे बेडरूम में खींच लाई, ये रात तो ठीक है ना तुम्हारा? बकवास बंद करो, जब देखो तब रोमांस ही सूझता है तुम्हें, जैसा बाप वैसा बेटा। ससुर जी भी इस उम्र में रोमांस करने से खुद को रोक नहीं पाए और बचपन की उम्र में माँ जी को गर्भवती कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा, साफ साफ बोलो, बोलना क्या है? बेचा ही क्या है बोलने को, मुझे तो शर्म आ रही है बताते हुए भी, तुम्हारी माँ इस उम्र में पेट से है, मेरा छोटा देवर या छोटी ननंद पैदा होने वाली है। What? क्या बकवास कर रही हो? दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पारुल का ससुर वहाँ आके कहता है, बहू जरा एक गिलास गरम दूध में हल्दी मिला के देना तो, तुम्हारी माँ जी ऐसी हालत में नीचे नहीं आ सकती ना, तो मैं खुद ही उसके लिए ले जाऊंगा। पारुल पैर पटकते हुए रसोई में चली जाती है। पिताजी, क्या पारुल जो कह रही है वो सच है? क्या सच में माँ के पैर? हाँ बेटा, सच है, उसने मुझे कुछ दिन पहले ही बता दिया था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला उसे डॉक्टर के पास ले जाने का। खैर, बहू को कहना कि उसको भारी काम ना करने दे और खाने पीने का भी ध्यान रखे। पारुल ने दूध का गिलास ससुर को दिया और ससुर के जाते ही अपना सर पकड़ के बैठ गई। संस्कार ने पारुल का हाथ पकड़ के उसे समझाया, पारुल अब जो भी है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन ये दिल से स्वीकार जरूर कर सकते हैं। तुम तो जानती हो ना कि मैं इनका अपना बेटा नहीं हूं, इन दोनों ने सड़क से लाकर मुझे पाला है। जब इन दोनों ने दुनिया के खिलाफ जाकर मुझ जैसे अनाथ बच्चे को गले लगाया तो क्या मैं इनकी खुशियों से शामिल नहीं हो सकता? ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे मत फंसाओ, जो गलत है वो गलत ही है। इसमें गलत क्या है, और तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की होकर ये किस तरह की दकियानूसी बातें करती हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना माँ की गोद भराई की जाए। क्या गोद भराई? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? खैर, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं चली अपनी मायके, मुझे ये तमाशा और नहीं देखा जाएगा। पारुल और संस्कार में सास की गोद भराई की बात को लेकर काफी बहस हो जाती है, जिसके बाद संस्कार अपनी माँ की गोद भराई की तैयारी में लग जाता है और पारुल अपना सूटकेस पैक वैक करके मायके जाने की तैयारी में लग जाती है। पारुल जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है उसे अपनी सास नजर आती है जो मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही थी। कलयुग है कलयुग,
बहू की शादी को 5 साल पूरे हो गए, लेकिन उसकी जगह उसकी सास की पैर भारी हो गया। बिल्कुल सही कहा बहन, जब बहू बांझ हो तो सास और क्या कर सकती है। खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में अनाप शनाप कहा तो, अरे अभी उम्र ही क्या है उसकी माँ बनने की। और वैसे भी मेरी बहू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है, इसीलिए तुम सब उससे जलती हो। सब समझती हूँ मैं, आगे से सोच समझ कर बातें करना मेरी बहू के बारे में, समझे। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरी सास मेरे लिए सबसे लड़ रही है और मैं उनसे ही नफरत कर रही हूँ। पारुल वापस बेडरूम में आकर संस्कार से कहती है, मुझे माफ कर दो संस्कार, मैंने तुम्हारे माता पिता को गलत समझा, लेकिन अब मैं अपनी सास की गोद भराई खुद करूंगी, वो भी बड़ी धूमधाम से। अरे वाह, इसे कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। दूसरे दिन चारों ने मिलकर अपने घर को फूलों से सजाया। पारुल ने देखा कि उसके सास ससुर पूरे घर में बच्चों के पोस्टर चिपका रहे हैं। सो क्यूट माँ जी, ये सभी बच्चे कितने सुंदर है ना। हाँ बहू, और तू देखना 9 महीने बाद हमारे घर में भी ऐसे ही सुंदर गोलू मोलू बच्चे खेलेंगे। तभी डोरबेल की आवाज आती है और पारुल जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है। कुछ ही देर में पारुल एक बड़े से पार्सल को लेकर अंदर आई। ये क्या है बहू? ये पालना है माँ जी, आपके बेटे और बहू की तरफ से ये छोटा सा उपहार आप दोनों के लिए। हाँ माँ, हम दोनों आपके होने वाले बच्चे का स्वागत खूब धूमधाम से करेंगे। सास हैरान परेशान होते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो तुम दोनों, अरे पागलो, बहू को बच्चा होने वाला है मुझे नहीं। क्या, लेकिन पारुल ने तो कहा कि आप प्रेग्नेंट हो। और मुझे दाई माँ ने बताया कि माँ जी पेट से है, याद है माँ जी, उस दिन जब आपको चक्कर आ रहे थे तब मैंने दाई माँ को बुलाया था और उसी ने कहा कि आप प्रेग्नेंट है। अरे बहू, तू कहाँ उस झोला छाप डॉक्टर वाली बुढ़िया की बातों में आ गई, 10 में से केवल 2 बातें ही सच होती है उसकी तो। ससुर जी, तो फिर आप माँ जी का इतना ख्याल क्यों रख रहे थे और डॉक्टर के पास भी ले गए थे और आज घर सजाने में हमारी मदद भी की। अरे वो तो मेरे पैरों में सूजन आ गए थे, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और घर को इसीलिए इतना सजा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली डॉक्टर सीमा ने आज ही फोन करके बताया है कि पारुल माँ बनने वाली है। याद है पिछले हफ्ते बहू रूटीन चेकअप करने के लिए गई थी, ये उसी दिन की रिपोर्ट है। शर्मिला की बात सुन पारुल और संस्कार खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। लेकिन इस प्यारी सी गलतफहमी ने पारुल को अपनी सास के और ज्यादा करीब कर दिया, इसीलिए तो दिल से वो सास की गोद भराई करने को तैयार हो गई थी।